नवरंगपुर जिला अंतर्गत उमरकोट के गांधी चौक के पास स्थित सरकारी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर नवरंगपुर ओडिशा से। संतोष कुमार नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं प्रशांत कुमार साहू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ मोहम्मद परिवार और अंजुमन इस्लामिया के मिलित प्रयास से बीजू छात्र जनता दल सभापति के नेतृत्व में आज उमरकोट के गांधी चौक के पास स्थित सरकारी हॉस्पिटल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवरंगपुर सांसद रमेश चंद्र मांझी उपस्थित रहकर रक्तदान करने वाले व्यक्तियों को उत्साहित के साथ रक्तदान एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में लोगों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री के निर्देश से कोरोना महामारी के समय में कोई भी गर्भवती महिला और साधारण लोगों को खून की कमी और अभाव ना हो और कुछ समस्या ना हो, इसीलिए ये रक्तदान शिविर अनुष्ठित हुआ। ऐसा कहना है सांसद रमेश चंद्र मांझी का। बड़ी कोरोना महामारी समय रे हम देखिया को पहले जे लोग बहुत हैरान होचंदी रक्त पाई ब्लड जेहतु ब्लड बैंक रे बहुत रक्त रे अभाव पाइलु हमें आ गवर्नमेंट रो जो प्रोग्राम अछि जो जीवन बिंदु रक्त अभियान ब्लड डोनेशन कैंप हमको विजु छात्र जनता दल रो भाई मैंने आसिक रिक्वेस्ट कले कि आप गोटे प्रोग्राम रखा जाऊ ब्लड डोनेशन कैंप अंजुमन इस्लामिक कमिटी उमरकोट आड़ू मुझ जहाँ तो प्रेसिडेंट अच्छे आम कमिटी लोक भी यहाँ पाई समस्त मिसिकी प्रोग्राम करुचु आज यही प्रोग्राम आम संप्रदायर जड़े भाई शेख अब्दुल रहीम बासु भाई जे कि 104 थर ब्लड दे सारी बर्तमान से नहांती आम गाँव से सर्वनाश हो सर्वास हो पु भी 13 थर दे आम ये प्रोग्राम कर लोकों पर कि काम करवा चाहूँ एटा गोटे भल मेसेज देवा चाहूँ समस्ते मिसीमिशी मनीष काम कर उमरकोट ठारे ब्लड डोनेसन प्रोग्राम आज अनुषित होती उमरकोट अंजुमान इस्लामिया कमिटी आनुकूल्य जीवन बिंदु सहयोग ये एक कार्यक्रम कराई तेना उमरकोटर अंजुमान इस्लामिया कमिटी समस्त बंधु मानक मुझे शुभेच्छा और धन्यवाद ज्ञापन करी तर कमिटी तरफ एत सुंदर से कार्यक्रम करापाखि 50 यूनिट रक्त संग्रह कार्यक्रम रही आशा करी कोरोना भली महामारी समय जो भाई रक्तदान जो मैंने करश्चित भाव में लोकंर नूतन जीवनदान पर जो पदक्षेप करापाई अंजुमान इस्लामिया कमिटर समस्त सदस्य को जीवन बिंदु कार्यक्रम कर्मकर्ता को धन्यवाद और शुभेच्छा जनाऊँ।